बिहार के रहने वाले आलोक कुमार सिंह और नेहा सिंह ने पिछले साल एक बेटे को जन्म दिया, अयांश। अब पैदा होने के 2 महीने बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आलोक और नेहा ने पटना शहर में उसे कई डॉक्टर्स को दिखाया, पर कुछ पता नहीं चला। आखिरकार वो अयांश को इलाज के लिए मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस बेंगलुरु लेकर गए। वहाँ उसके कई टेस्ट भी हुए, पता चला उसे स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी नाम की बीमारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस बीमारी से जूझ रहे बच्चे केवल 18 से 24 महीनों तक ही जी पाते हैं। इस बीमारी का इलाज है एक इंजेक्शन, जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। अब इतनी रकम जमा करना आलोक और नेहा के लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू की है, यानी लोगों से अपील की है कि वो उनकी मदद करें। मीडिया और सोशल मीडिया पर इसका बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। आलोक और नेहा सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार लगाई है। वहीं अगस्त के महीने में तमिलनाडु के रहने वाले प्रियदर्शनी और जगन्नाथ ने भी अपनी 7 महीने की बेटी के लिए तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन से मदद मांगी है। उनकी बेटी को भी स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी यानी कि SMA है। प्रियदर्शनी ने बताया कि उनकी बेटी के पास सिर्फ 2 साल बचे हैं, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वो नहीं बच पाएगी। इलाज के लिए उसको एक इंजेक्शन की ज़रूरत है, जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। हमें सेहत पर बहुत सारे लोगों के मेल्स आए हैं, जो इस बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं। वो इन पेरेंट्स की मदद करना चाहते हैं, पर उनके मन में कई सारे सवाल हैं, इसलिए वो चाहते हैं हम स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी पर बात करें। ये क्या बीमारी है, क्यों होती है, और इसके बारे में एक्सपर्ट से बात करके लोगों को बताएं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी क्या है, किन बच्चों को होती है, और इसका इंजेक्शन इतना महंगा क्यों है। स्पाइनो मस्कुलर एट्रोफी यानी स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली परेशानी के चलते मांसपेशियों का सूख जाना, ढीला हो जाना या काम करना बंद कर देना। कोई भी मूवमेंट के लिए, मांसपेशियों में कोई भी हरकत होने के लिए दिमाग से इलेक्ट्रिक करंट निकलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते एंटीरियर हॉर्न सेल पर, स्पाइनल कॉर्ड में एक सेल होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जिसे एंटीरियर हॉर्न सेल कहते हैं, वहां पे उनका पहला पड़ाव होता है और वहां के बाद स्पाइनल नर्व के थ्रू हमारे हाथ या पैर की मांसपेशियों तक जाते हैं। तो दिमाग से लेकर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से लेकर एंटीरियर हॉर्न सेल, एंटीरियर हॉर्न से लेकर के पूरे नर्व तक, इस पूरे पाथवे में किसी भी जगह पे अगर ये रास्ता सूखने लग जाए, यहाँ पे न्यूरॉन्स मरने लग जाए, उसकी वजह से मांसपेशियां काम करना बंद कर दे, तो इस बीमारी को मोटर न्यूरॉन डिजीज कहा जाता है। इसके बहुत टाइप होते हैं, लेकिन अमूमन बच्चों में एक खास तरह की बीमारी होती है जिसमें सिर्फ एंटीरियर हॉर्न सेल वो सूखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से मांसपेशियां ढीली हो जाती है, उन पर हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है, वो सूखने लग जाते हैं। इस बीमारी को हम कहते हैं बच्चों में होने वाली एंटीरियर हॉर्न सेल डिजीज, या इसे ही हम कहते हैं स्पाइनो मस्कुलर एट्रोफी। अमूमन ये एक जेनेटिक कारण से होता है, क्योंकि एंटीरियर हॉर्न सेल को जिंदा रहने के लिए एक खास तरह के प्रोटीन की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं SMN1 यानी स्पाइनल मोटर न्यूरॉन सर्वाइविंग के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, SMN1 प्रोटीन। उसके बिना अगर वो जेनेटिक, उसके जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाए, तो SMN1 प्रोटीन नहीं बनता है। ये प्रोटीन की कमी से एंटीरियर हॉर्न सेल सूखने लग जाते हैं, मांसपेशियों पर से नियंत्रण खत्म हो जाता है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, नतीजन गर्दन आगे की तरफ झुक जाएगा, हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे, पैर ढीले पड़ जाएंगे, आदमी बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, हाथ ऊपर उठा नहीं पाएगा, आगे चल करके जो सांस लेने के जो फेफड़े हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, डायफ्राम है, जितने भी वॉलंटरी मसल हैं, स्केलेटल मसल हैं, वो कमजोर होने लग जाते हैं और उनकी गतिविधि प्रभावित होने लग जाती है। 2017 के पहले तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन उसके बाद साइंटिस्ट ने एक जेनेटिक थेरेपी, जीन थेरेपी खोज करके निकाली। उसमें हम क्या करते हैं कि जो जीन डिफेक्टिव हो गया, उस जीन को ही हम बाहर से शरीर में प्रवेश करा देते हैं। आइदर तो हम स्पाइनल कॉर्ड में एक इंजेक्शन देते हैं, जो इंजेक्शन का नाम था नूसिनसेरिन,
ये इसके इंजेक्शन काफी महंगे आते थे। अमूमन अगर भारत में कहे जाए तो एक डोज का इंजेक्शन करीब 87 लाख के आसपास आता था, जिसमें कि 7-8 इंजेक्शन दिए जाते थे। तो इसमें ऐसा देखा गया कि दूसरा जो इंजेक्शन था जिसमें सिंगल इंजेक्शन आईवी इंजेक्शन दिया जाता है, जिसका नाम था कि ओना सेमनोजीन एबी पार्वोवेक, तो टेढ़ा नाम है इसका। इसमें सिंगल आईवी इंजेक्शन दिया जाता था। इस इंजेक्शन का दाम भारत में कभी 16 करोड़ के आसपास था। ये दोनों इंजेक्शन का दाम इसलिए महंगा था क्योंकि ये भारत में बनते नहीं थे, विदेशों से इसे इंपोर्ट करना पड़ता था। और अभी अभी एक नया इंजेक्शन आया है, 2020 में ही उसको एफडीए से अप्रूवल मिला है, दैट इज रिसीडी प्लान। ये एक टैबलेट का इंजेक्शन या मतलब ओरली फॉर्म में देने वाला सीरप का इंजेक्शन है, जिसका जिसकी कीमत करीब ऐसी आती है कि 6 लाख रुपए पर बॉटल की कीमत आती है, और अमूमन साल भर में 6 बॉटल की जरूरत पड़ती है एक बच्चे को। इन सब दवाइयों से क्या बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है? देखिए, अभी तक चूंकि 2017 से ही इन दवाइयों का प्रयोग शुरू हुआ, अभी बहुत ज्यादा समय बीते नहीं है, तो लॉन्ग टर्म ट्रायल्स जैसे जैसे समय बीतेगा हमें समझ में आएगा। लेकिन अभी तक जो रिसर्च अभी तक है, जैसे कि एक इंडियर ट्रायल हुआ था, या स्ट्राइव ट्रायल हुआ था, या चेरिश ट्रायल हुआ था, इनमें 2 से 3 साल तक बच्चों को फॉलो किया गया था। उनमें ऐसे बच्चे चूज किए गए थे, सेलेक्ट किए गए थे, जिनमें कमजोरी बहुत ज्यादा नहीं थी, यानी जिनकी सांस लेने की मांसपेशियां बहुत ज्यादा कमजोर नहीं थी, जो वेंटिलेटर पे नहीं गए थे, और वैसे बच्चे भी नहीं चूज किए गए थे जो कि बड़े हो गए हैं, जिनमें लक्षण बहुत कम मात्रा में हैं, यानी बीच बीच के, यानी बच्चे वैसे जिनमें लक्षण आने शुरू हो गए, जिन्होंने अभी अभी कमजोरी आना शुरू हो गया है, या जो चलने की अभी कैपेसिटी कम करने लग गए हैं, ऐसे बच्चों में जब ये दवाई देकर के 1-2 साल तक फॉलो किया गया, और दूसरे आर्म में वैसे को रखा गया था जिसमें प्लेसिबो यानी कुछ नहीं दिया गया था, तो ऐसा पाया गया कि जिन बच्चों में ये दवाई दी गई उनमें बीमारी के बढ़ने की गति कम हो गई, या उनके मरने की संभावना भी कम हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि जैसे समय बीतेगा उसके हिसाब से हम जान पाएंगे कि दवाई कितना कारगर साबित हो रही है। अब आते हैं कि क्या इस बीमारी को रोका जा सकता है, रोकथाम किया जा सकता है। एक बार अगर किसी को बीमारी हो जाए तो इन दवाइयों से हम आंशिक सफलता पा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उपाय यह है कि अगर इस बीमारी को होने के पहले ही रोक दिया जाए तो सबसे अच्छा। चूंकि ये जेनेटिक बीमारियां हैं, तो अगर किसी में इस बीमारी के लक्षण हैं, तो उनके बाकी फैमिली मेंबर्स को जो कि एक्सपेक्टेड मदर या फादर हैं, उनमें ये जेनेटिक काउंसलिंग के द्वारा हम ये देख लें कि उनमें ये बीमारी उनके बच्चों में होने की संभावना कितनी है। तो एक प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग से हम आने वाले बच्चों में ऐसी बीमारी होने से रोक सकते हैं, और हम समझते हैं कि इससे अच्छा और सस्ता उपाय कोई नहीं होगा। आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, एक बात तो साफ है, इस बीमारी को होने से रोकना ही सबसे बेस्ट उपाय है। बच्चे के जन्म से पहले ही पता किया जा सकता है कि उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होगी या फिर नहीं, पर जो बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा हो चुके हैं उनको बचाने के लिए इंजेक्शन के अलावा कोई इलाज नहीं है। ये इंजेक्शन बहुत महंगे होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि सरकार और स्वास्थ्य अधिकारी उन लोगों की मदद करें जिन्हें ये बीमारी है। एक आम आदमी के लिए इतनी रकम जोड़ पाना नामुमकिन है। जो लोग इस बीमारी से ग्रसित बच्चों की मदद करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हमें सेहत पर ऐसे कई लोगों के मेल्स आते हैं जिन्हें कंधे में काफ़ी दर्द रहता है। कुछ लोग बताते हैं कि दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वो अपना कंधा हिला तक नहीं पाते। एसी या फिर ठंडी हवा लगने पर ये दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, पर ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जिसके कंधे में दर्द है उसे फ्रोजन शोल्डर की ही समस्या हो। इसके बारे में हमें और जानकारी दी डॉक्टर दिनेश ने। उन्होंने बताया कि कंधे के जम जाने को फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। अब इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे आम कारण है कि कोई चोट लगने के बाद आपके हाथ और शोल्डर के मूवमेंट कम हो जाते हैं, आप उन्हें रेस्ट देते हैं। अब जिस कारण आपके कंधों की मांसपेशियां अकड़ने लगती हैं और जॉइंट के कैप्सूल जमने लगते हैं। दूसरा कारण है कोई माइनर या फिर मेजर हाथ या कंधे के जॉइंट की सर्जरी के बाद मूवमेंट ठीक से ना हो पाना। तीसरा कारण डायबिटीज या फिर थायराइड। जिन मरीजों को बहुत लंबे समय से डायबिटीज है या फिर थायराइड की शिकायत है उनमें फ्रोजन शोल्डर देखने को मिल सकता है। ये तकलीफ मौसम बदलने पर बढ़ जाती है। जांच करने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि आपको जो तकलीफ है वो फ्रोजन शोल्डर है या नहीं।
ये जांच करने के लिए डॉक्टर आपको एक्सरे और एमआरआई करवाने की सलाह दे सकते हैं। एमआरआई सबसे सटीक डायग्नोसिस का तरीका है। 90% मरीजों में फ्रोजन शोल्डर का इलाज पेन रिलीविंग मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी से होता है। 5-10% मरीजों में मेडिकेशन और फिजियोथेरेपी से राहत नहीं मिलती है, उनके लिए सर्जरी का ऑप्शन बचता है। इन सर्जरी में जमे हुए शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल को दूरबीन से रिलीज किया जाता है। शोल्डर जॉइंट को नुकसान पहुंचाए बिना उसे फ्री किया जाता है, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे तिल की चटनी खाने के फायदे। ऐसा कहा जाता है कि तिल की चटनी मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होती है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर विभूषा से। उन्होंने बताया कि ये बात सही है, क्योंकि तिल में बहुत पोषण होता है। कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड की वजह से हार्मोन रिस्टोर होने में मदद मिलती है। इसे खाने से हार्मोनल हेल्थ सही रहती है। तिल की चटनी खाने का सबसे बड़ा फायदा है कि ये आयरन से भरपूर है और शरीर में खून की कमी को दूर करता है। इस चटनी में फाइबर होता है जो कि पेट साफ करता है और एसिडिटी जैसी परेशानियों से बचाता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है जो शरीर में सूजन को कम करता है। साथ ही सबसे खास बात है कि ये डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हड्डियों से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए भी फायदेमंद है। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।